सत श्री अकाल जी, एक होर वीडियो लैके हाजिर हाँ जी। अज इस सिख साधी लिखते ने कि उगलमिश की सरां के बूहे ते मैं एक अमीर आदमी के पुत्र नूं वेख्या। छोटी उम्र में ही सियाणप ते चंगी सूझबूझ के निशान उसके मत्थे उत्ते दिस रहे सन। उसकी सूझबूझ उसकी तारे वांगू चमक बारे दसदी सी। बस वह बादशाह के मन में वस गया क्योंकि उस विच बाहरी अते अंतरी सुंदरता सी। सियाणियां दा कथन है कि अमीरी दिल उत्ते निर्भर करती है, माल असबाब उत्ते नहीं। इसनू सिख साधी इंज भी बयान करते ने कि बजुर्गी बा अकल अस्त न के बसाल। इसका मतलब है कि बजुर्गी अकल उत्ते निर्भर हुंदी है, उम्र उत्ते नहीं। इस तरह दूसरे सब व्यक्ति उस नाल ईरखा करन लग पए अते उस उत्ते झूठी तोहमत ला दित्ती कि वह बेईमान है। उन्होंने उसनू कतल करवाउण लई हर बेफायदा उपराला किया। पर सिख साधी इसनों इस तरह बयान करते हैं कि जे मित्र दयावान होवे तां दुश्मन की कर सकदा। बादशाह ने पूछा कि वह तेरे नाल वैर क्यों करते हैं। उसने बेनती की, तुहाडे सजाओ अते मेहरबानी नाल मैं सड़न वालियां तो सिवा सबनों राजी किया है। वह मेरी दौलत के खात्मे ते ही प्रसन्न होणगे, पर मैं तो सदा तुहाडे राज भाग की सलामती चाहुंदा हाँ। मैं तो सिर्फ इन्ना कर सकता हाँ कि किसी का दिल ना दुखावा। मैं ईरखा करन वालियां दा की करा, वो तो खुद अपने आप विच दुखी हन। इसनों सिख साधी लिखते ने कि ईरखा करन वालिया तेरा मर जाना चंगा है, क्योंकि मरण तो बिना तू मुक्त नहीं हो सकता। बदकिस्मत लोग चाहते हैं कि खुशकिस्मत लोगों का माल धन घट जाए, पर जेकर सूरज की रोशनी दे विच चाम चड़िक दियां अखां वेख नहीं सकदियां तां इस विच सूरज की रोशनी का की कसूर है। सिख साधी इस नूं इस तरह बयान करते हैं कि अजिहियां हजार अखां सूरज के काला होण तों पहलां अन्नियां हो जाण तां ही इह बेहतर है। इस छोटे जिहे चैप्टर दे विच सिख साधी उन्होंने बहुत ही सोहना मैसेज दिता है कि बेवजह किसी नाल ईरखा करके आपां किसी का कुछ नहीं विगाड़ सकते, इस दे उल्ट अपने आप विच ही दुखी होवांगे। उम्मीद करदा हाँ जी यह वीडियो तुहानू पसंद आवेगी। फिर नवीं वीडियो लैके तुहाडे रूबरू होवांगा। सत श्री अकाल।